प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने देर रात पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में अपनी टीम के साथ छापा मारा। छापेमारी के दौरान रंजीत सिंह 10 अफसरों की कोठियों के बाहर गली और सड़क पर बिजली चोरी करते हुए कई लोगों को पकड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद रिपोर्ट सीएम को भेजी गई। तब से किसी बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। बिजली का करंट वाकई बहुत जोर से लगता है। लाइन 11,000 वोल्ट की हो तो बचना मुश्किल है। ऐसा ही एक वाकया पानीपत में हुआ है। दरअसल प्रदेश के बिजली मंत्री और अपनी साफ गोई ईमानदारी के लिए मशहूर रंजीत सिंह ने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में देर रात टीम के साथ छापेमारी की। चूंकि बिजली चोरी की शिकायत थी, मंत्री ने अफसरों की कोठियों के बाहर और गली में जल रही लाइटों को चेक किया तो बहुत कुछ मिला। मंत्री जी के मुंह से सुनिए। बिल्कुल होगी, मैंने जो कार्रवाई थी वो सारा करके सीएम साहब को सौंप दी है। अब उन्होंने निर्णय करना है। वो कल जलंधर थे, मैं इधर था, कल मैं जा रहा हूँ। अब वो जो निर्णय करेंगे सीएम साहब करेंगे। मैंने वहाँ रेड करा था, कुछ कार्रवाई हुई है, अच्छी मोटी कार्रवाई हुई है और फिर मैंने उन्हें रिपोर्ट भेज दी। सूचना है कि पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के सबसे बड़े दो अधिकारियों चीफ इंजीनियर्स उसके नीचे के 10 एसीज की कोठियों के बाहर गलियों और सड़कों पर कई जगह कुंडी लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई है। मंत्री 1 घंटे तक थर्मल में रहे। उनके जाने के बाद खबर है कि बड़े अफसरों ने मीटिंग की। मामला बड़ा है, मंत्री जी भी मान रहे हैं। कार्रवाई बड़ी हुई तो आम लोगों को भी लगेगा कि सरकार हो तो ऐसी। कैमरामैन धर्मवीर और सहयोगी दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।